नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आजकल चालान बुक से नहीं, ना ही चालान मशीन काम कर रही है, बस काम कर रहे हैं तो कर्मियों के हाथ जो रुकते नहीं और भाषा जो आप सुन नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कर्मी लात घूसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं, भाषा भी ऐसी जो आपको सुना पाना मुश्किल है। ये मोहम्मद अकीस हैं, पिकअप मालिक, जिनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से इन्हें लोड मिला था और वो लोड अलीगढ़ यूपी लेने जा रहे थे। 5 दिसंबर की ये घटना है। ड्राइवर को रास्ते में इन कर्मियों ने रुकवाया और 500 रुपए मांगे और कहा कि तू गाड़ी तेज चला रहा था, ना चालान ना पर्ची, बस लात घूसे बरसाना शुरू। ड्राइवर ने इन कर्मियों की वीडियो बनाई तो यहाँ इन कर्मियों ने ड्राइवर का फोन भी छीन लिया और अगले दिन माफी मंगवाने के बाद ही वापस किया। क्या कुछ हुआ इस दौरान आप देख ही सकते हैं। तो और क्या बीजा कर रहा है, पैसों की कर रहे वीडियो बना रहा है। तो दूसरी घटना भी सुन लीजिए जो मध्य प्रदेश की है। 6 दिसंबर की ये घटना है। संदीप है जो गाड़ी में आयरन लोड कर लोहा मंडी मध्य प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में जाम लगा था, तभी बाइक पर थैला लटकाते हुए बिना वर्दी के इन जनाब ने गाड़ी रुकवाई। जाम होने की वजह से गाड़ी थोड़ी आगे रोकी गई। यहाँ पर ड्राइवर से गाली गलौज किया गया और 3000 रुपए भी मांगे गए। अरे ऐसे नहीं, 3000 दंड होगा। अरे सर, 3000 कमाता तो यहाँ थोड़ी बैठता मैं। नहीं सर, गाली घुटते से बात कैसे कर रहे हो आप? सर मैं आपके लिए खाने चलने के लिए तैयार हूँ। कैसे बात कर रहा हूँ बताऊँ? मोबाइल से बात कर रहा है ना तेरी बहन घुटते बोल रहा है, सोहन की गाड़ी है। सर आपको बताओ कौन सा थाने चलना है। ना तो जनाब ड्यूटी पर है, ना ही वर्दी में है और ना ही अनुशासन में। जहां पर बात गलत की है वहां अधिकारियों के पास पूरा अधिकार है कि वो कानून के तहत कार्रवाई करें, पर इस तरह से मारपीट और गाली गलौच नहीं। ना तो यहां दिन देखा जा रहा है और ना ही रात। बताया जा रहा है कि दोनों ड्राइवर्स अपनी अपनी जगह पर सही थे। दोनों ही खबरों में ड्राइवर्स को काफी मारपीट के बाद बिना चालान के छोड़ा गया। या तो ड्राइवर सड़क पर मार खाएं या फिर पैसे भरे। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? क्या सड़क पर ड्राइवर से इस तरह का व्यवहार उचित है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।